है यहाँ बहुत अच्छा विकास चल रहा है मोदी जी की गारंटी का काम यहाँ पूरा असर कर रहा है मोदी ने फैसला कर दिया दो काम अच्छा अयोध्या का उनका नाम एक माया और दूसरा ये बनारस बनारस बना दिया काफी इतना बढ़िया बना दिया स्टेशन से ले लेकर तो हिंदू है हिंदू से मत पूछिए दूसरे बिहारी से पूछिए कि, कि किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं हम लोग तो सनातन धर्म पैदा लिए हैं और जब तक ले मोदी जी, जी रामलला रखेंगे तब तक ले आगे उनका तो कहना ही नहीं है मीडियम मतलब प्रशासन मतलब मीडियम जो हमारा ग्रामीण एरिया वाला व्यक्ति है वो बहुत ही परेशान है सुबह सुबह का वक्त है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है जी हाँ अवध में अभी अच्छी खासी ठंड है हम सुबह निकले सोचे कि थोड़ा ये जनता से बातचीत करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर आग ताप रहे थे क्योंकि एक यही ऐसी चीज़ है कितनी भी ठंड पड़े लेकिन आप इसके सामने बैठ जाएंगे तो आपको ना स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी ना कम्बल की क्योंकि ये देसी जुगाड़ है हमारे भारत के अलावा ये और कहीं पर नहीं होता है मैं बता दूं कि जब मैं रास्ते से आ रहा था इतनी ठंड लग रही थी मैं फिर से होटल में गए एक और स्वेटर पहन के आया लेकिन अभी यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे भी निकालने की इच्छा होने लगी है तो आपको तो मालूम ही होगा कि बाईस तारीख को मतलब वो दिन आ ही गया है हमारे राम लला का आगमन हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तैयारियाँ जोरों शोरों से है और तैयारियाँ पूरी भी हो चुकी है अवध के वासी खुशी मना रहे हैं अवध ही नहीं पूरे जो हमारा देश है विदेश है वहाँ पर भी जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से चल रही हैं तो आइए हम यहाँ पर अवध के वासियों से भी बातचीत करेंगे जो बाहर से आए हैं रामलला के दर्शन के लिए उनसे भी बातचीत करेंगे जाने उनके मन में क्या है जनता कितनी खुश है जी नमस्कार दादा नमस्कार कैसे हैं आप ठीक हैं भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप डिस्ट्रिक्ट जौनपुर अभी कैमरे के पीछे बातचीत हो रही थी, थी मत आपने बताया कि घर पे किसी को पता नहीं और आप दर्शन करने के लिए आए चुपके चुपके आ, और नहा के फिर जाना है स्टेशन पे गाड़ी पकड़ा अच्छा घर पे पता चल गया कहाँ गए हैं घर वाले ढूंढ नहीं रहे हैं वो तो है, तो है कल कोई कोई बात हो जाए तो हम सब परेशान होंगे इसलिए बहुत भाई चलते हैं आप अकेले आए हैं अकेला, है। अकेला यार। <laughs> बीबी भी गुस्सा हो जाएगी था सब गुस्सा पूरा अंतुआल है सब गुस्सा है हाँ ललका उड़का सब बहू सब कि हाँ कहीं भगवान ना करे कहीं कुछ हो जाए तो हम आपको कहाँ पाएंगे राम क्या है कि आप बुजुर्ग हैं यार सब कुछ चिंता तो रहती है आपकी अड्डा कहीं के भाई साहब दिए तो अगर आपके साथ है तो वो आपके साथ है ऊपर वाला हम दर्शन करने के लिए अयोध्या नहाऊँगा पच्चीस तारीख को बैठा आज आ गया यहाँ धाम में अब यही सुबह हो रही है और नहा के फिर कैफियत ये पकड़ेंगे अभी रामलला के दर्शन करेंगे आप हाँ जाएंगे तब जाएंगे हनुमान करी राम लला जो बन रहा है नया बाबरी मंदिर के आगे उसी के लिए थे मोदी ने फैसला कर दिया दो का बहुत अच्छा किया एक अयोध्या का राम लला का उनका नाम एक कमाया और दूसरा ये आपका बनारस बनारस कासी? बना दिया काशी इतना बढ़िया बना दिया स्टेशन से लेकर इतना साफ इतनी गंदगी एक जम पाओगे नहीं वही वो नारा सच हो गया अयोध्या तो अभी झांकी है काशी मथुरा बाकी है मथुरा का भी चल रहा मामला भी आगे जल्दी फैसला आ जाएगा उसका भी अच्छा बेटा अब भाई खरीद नहीं चाहिए इतनी उम्र भीड़ के मसूरा नहीं गया हो जाऊँगा जरूर रामलला का आगमन हो चुका है अयोध्या दुल्हन जैसी सच चुकी है क्या कहना आप? आप है आपको मिलेंगे बात करेंगे वो तो भाग की बात है भैया भारतीय जनता पार्टी के तरफ के अलावा और जो राजनीतिक पार्टियां वो बोलती थी कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे क्या कहना है आपका इस पर वो तो राजनीतिक फंडे में देखा जाए वो तो अपने आ, उनकी ऐसी गलत शक्तियाँ का प्रयोग उनके माइंड उनके दिमाग में उनके अंतरात्मा में ऐसा लग रहा था कि जो है कि कभी ऐसा हम लोग अटका के रखेंगे तो हमारी राजनीति और चमकेगी लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई हनुमान जी महाराज की राम ऐसी कृपा हुई कि जो है ऐसी सदबुद्धि हमारे माननीय मोदी जी को दी और माननीय योगी जी को दी कि उन्हीं के मार्गदर्शन में ये रास्ता हल हो गया और आप देख ही रहे होंगे आप आए होंगे देख रहे होंगे कितनी अच्छा कितना सुंदर सजाया जा रहा है आगमन हो रहा है हमारे माननीय मोदी जी का तीस तारीख को और देखा जाए तो भगवान कड़कड़ में वास करते हैं और और, और जैसे कि कह रहे हैं कि बाईस तारीख को राम आ रहे हैं राम आ रहे हैं ठीक है आ रहे हैं लेकिन राम तो हमारे आराध्य हैं वो कड़कड़ -कड़ में वास करते हैं और पहले से विराजमान हो चुके थे लेकिन अब जैसे कि पहले तम्बू में थे अब उनके लिए राजमहल तैयार हो गया है राजमहल तैयार हो चुका है मतलब जो वनवास था उस समय का और इस समय का वो वनवास पूरा हो चुका है बिल्कुल पूरा हो चुका है ये तो हम लोग हम लोग के इसी भगवान ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें कि हम लोग भी जो है खूब अयोध्यावासी भी अपने सब खुशहाल रहें और भगवान तो हमारे आराध्य हैं ही वही जो कांग्रेस की तरफ से ये बोला जाता है कि राम काल्पनिक है राम ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है उनका डी एन ए दूषित है तो अब उसमें टिप्पणी करने से और उनको टिप्पणी करने से हमको समझ सम लीजिए हमको एक पाप मिलेगा इसलिए लाते हम कांग्रेस की कोई बात नहीं करते तो हैं कांग्रेस अभी ऐसे हो गई कि टिप्पणी करने से भी पाप मिल सकता है वो हर चीज़ पे हर बात पे हर सनातन के ऊपर तो हमेशा उनका टिप्पणी करना दूषित प्रभाव प्रचार प्रसार करना उनका शुरू से उनके चाहे शिक्षा नीति हो चाहे सनातन पद्धत हो चाहे पूजा पद जो भी हो उनको तो टिप्पणी करने करना है पर वो तो गठबंधन बना लिए कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे राहुल गांधी खु आप देख रहे हैं केजरीवाल खु आप देख रहे हैं नीतीश कुमार खु आप देख रहे हैं लालू यादव तक खुवाब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो गठबंधन नहीं वो ठगबंधन है वो तो सभी जो है सभी राक्षसों का जमाड़ा हो चुका है तो जिसमें से वो राक्षस जो है कब तक टिकेंगे हमारे मोदी जी और योगी जी ऐसा बाढ़ चलाएंगे कि वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे कोई पता ही नहीं चलेगा राम जी का रामबाड़ चलने वाला है 2024 के चुनाव में आपका ये कहना है बिल्कुल बिल्कुल तो रामबाड़ हमेशा चला है चलेगा बिल्कुल या हम लोग तो हिंदू है हिंदू से मत पूछिए दूसरे ब्यादरी से पूछिए कि, कि किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं हम लोग तो सनातन धर्म पैदा लिए हैं और जब तक ले मोदी जी, जी रामलला रखेंगे तब तक ले आगे उनका तो कहना ही नहीं है अरे पूरे भारत के हिंदुओं के बात बता रहे हैं हम तो जो हिंदू में पैदाइश लिया है वो मोदी जी को नहीं देगा तो देगा किसको गठबंधन भी तो हो गया है गठबंधन नहीं है भैया वो सब वो सब फंसाने वाला ठकबंधन है जैसे जाल में मछली फंसा लिया जाता है एक जगह मार्केट में भेज दिया जाता है वही से सब है तो बोलते कि राम मंदिर बनवा के तुम जीत थोड़ी जाओगे जीतेंगे तो हम लोग ही किसी के बाप किसी के बाप के हिम्मत में नहीं है कि मोदी जी जब तक ले जिंदा रहेंगे हारेंगे बोलते कुछ विकास विकास करते नहीं है महंगे महंगे कपड़े पहन के बाहर घूमते रहते तो हैं अंधे लोग के मालूम होगा हम लोग का कहा हम लोग तो आँख है तो हम लोग देख रहे हैं जिसको अंधा नहीं आँख नहीं है तो का देखेंगे लोग का हो रहा है ना हो रहा है अमान नहीं सट्ठासी नवासी से हम आ रहे हैं अयोध्या और बीच में हम पंद्रह सोलह वर्ष नहीं आ रहे थे अब अभी हम यहाँ चार पाँच महीना से फिर आ रहे हैं बहुत पहले से अयोध्या आ रहे हैं जिस जिस घर लड़ाई भी हो रहा था उस घर भी हम लगाए थे तैंतालीस में नहीं चचा बानवे तिरानवे में में आए थे मेरा घर बिहार में है अडवाणी जी को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था है ना जो जो हिंदुओं थे वो खून का आंसू धो रहे थे लेकिन फिर भी हम लोग को संचालन करने वाला था कोई नहीं था उस घड़ी यदि एक एक भी यदि उस उस घड़ी मोदी जी या योगी जी जैसा आदमी होता तो हम लोग उसी दिन हम लोग मंदिर का निर्माण का हाथ लगा देते लेकिन क्या करें बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है नीतीश जी उनका भी सपना लगा के बैठे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मुख्यमंत्री तो है प्रधानमंत्री बनूंगा अब दूसरा जगह कहीं नहीं बनेंगे लेकिन देखा जाए तो बिहार में एक नया कैलेंडर चालू हुआ ये आपको मालूम होगा हिंदू के तरफ के रामनवमी रक्षाबंधन जितनी हिंदुओं की छुट्टी होती है सब रद्द करके लेकिन वही मुस्लिम पक्ष को बकरीद हो गया ईद हो गया सब पे चार चार दिन की छुट्टी दे रहे हैं क्या लगता है है ना चुनाव है ना अभी ना है मार्च के बाद में चुनाव अप्रैल मई में चुनाव होगा पता लग जाएगा हिंदू तो एकता अभी इकट्ठा होगी आपको तो कहने का मतलब कटोरा उठा कर जाना पड़ेगा अयोध्या में कहाँ है आप सब लोग मानेंगे थेथरलॉजी के वहाँ सब पार्टी चलता है हमारे यहाँ और कुछ नहीं है कैसा लग रहा है अयोध्या में आके अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बहुत अच्छा विकास चल रहा है मोदी जी की गारंटी का काम यहाँ पूरा असर कर रहा है और यहाँ का विकास देख के मैंने काम देख के यहाँ एक रामकथा का आयोजन मैं खुद करवा रहा हूँ अच्छा आप यहाँ पर खुद ही रामकथा का आयोजन करवा रहा हूँ रामकथा का आयोजन ही करवा रहा हूँ पास में मंडपम में क्योंकि तो यहाँ का विकास और यहाँ की भावना भक्तों की वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा ये भगवान राम की में आज पाँच साल में पच्चीस लाख हिंदू कतलेआम हुआ है पाँच साल में पच्चीस लाख हिंदू पच्चीस लाख हिंदू के मरने के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है पाँच साल में पच्चीस लाख हिंदू पच्चीस लाख हिंदू जब कतलेआम हुआ तब ये मोदी जी ने सपने को साकार किया है अयोध्या अट्ठाईस बार उजड़ चुकी है बस चुकी है उनतीसवीं बार मोदी योगी जी बसा रहे हैं इसको अयोध्या का ये इतिहास है ये हमारे लिए तो बहुत गौरव है हमारे पुरखा मर गए दादे मर गए पर दादे मर गए अयोध्या की समस्या का हल ही नहीं किया किसी ने इसलिए हम हमें बहुत खुशी है हम तो कह रहे हैं यहाँ जो जो भी भक्तियाँ अयोध्या में आए भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं कर पूर्ण करें वहीं अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए पहले कहीं ना कहीं आंकड़े बता रहे थे कांग्रेस जित रही है लेकिन एक तरफा जीत की है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे कारण ये है मध्य प्रदेश में जीत का एक तो मोदी जी गारंटी और दूसरा बाकी भाजपा संगठन ने लाडली बहना योजना जो लागू करी थी वहाँ पे लाडली बहना हर महीने बारह सौ पचास रुपये दे रहे हैं तीन हजार रुपये तक देंगे उसका भी बहुत अंतर पड़ा है और ये अयोध्या का भी अंतर पड़ा हुआ थोड़ा सा कि अयोध्या में जो विकास हो रहा है इस इस पर भी वोट बैंक काफ़ी आया है वहाँ पर राम मंदिर को लेकर राम मंदिर को लेकर राम क्या आप क्या लगता है दो? अभी उसको तो सेमीफाइनल बताया जा रहा था जो तीनों राज्यों में लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक तरफा सरकार बनाई है और वहीं आप क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है क्योंकि गठबंधन भी हो चुका है उसमें 26 एक पार्टी एक साथ है और इधर एन डी देखो दो हजार चौबीस में ये इंडिया गठबंधन वाले कितना ही जोर लगा लें ये सब चोर हैं क्योंकि इनकी कोई नीति नहीं है इनका है लूटो खाओ अखिलेश का शासन यहाँ पे रहा उत्तर प्रदेश में इन्होंने सवाएँ लूटने का काम किया कोई विकास किया तो बता दीजिए आप कहीं पे, है ना तो मोदी जी गारंटी वही काम आएगी और राम मंदिर मुद्दा धारा तीन सत्तर का खतरनाक धारा को हटाना ये सब चीज़ें मोदी के पश्चिमी जनता को वोट देने लिए प्रेरित करेंगे सब भैया जैसे हम सभी युवा हैं देखिए हमारे यहाँ मतलब आ, हर चीज़ ठीक है बीजेपी बहुत अच्छा करे हर चीज़ है लेकिन आज हमारा जो मीडियम uh, मतलब प्रशासन मतलब मीडियम जो हमारा ग्रामीण एरिया वाला व्यक्ति है वो बहुत ही परेशान है मैं बता दूं कि जो राजस्व विभाग है राजस्व विभाग के जितने कानून को ये मतलब लेखपाल हैं नब्बे परसेंट तो वही भ्रष्ट हैं हर जगह आप चली जाइए जमीन का विवाद है मेरी बात को सुनिए विकास चाहिए देखिए आप भैया साहब आपने बात किया कि मुसलमान राशन आज मुसल राशन की बात आए अस्सी परसेंट लोग राशन पा रहे हैं इससे मैं सहमत हूँ एक समय था कि 80 परसेंट लोग नहीं पाते थे 80 परसेंट प्लस में लोग राशन पा रहे हैं चाहे गाड़ी घोड़ा हो नौकरी पेशा हो उसमें ज़्यादा लाभ मुस्लिम ही पा रहे हैं क्योंकि संख्या बल में मुस्लिम हर कितना भी नॉर्मल किसी का परिवार होगा तो पाँच से आठ से कम नहीं है होंगे आपको मिलेंगे शायद पूरे भारत में दस बीस सौ परिवार मिलेंगे जिनके बाद तीन या चार फैमिली होगी लेकिन आप हिंदुओं की कंपेयर कर लीजिए तो आपको लाखों परिवार ऐसे मिलेंगे जो सिंगल हैं। अयोध्या तो की जनता है जो कि बाहर से आई हुई है जो कि राम लला के भक्त है उनसे बातचीत की उन 2024 के चुनाव को लेकर राम लला को लेकर जो कि अभी हो कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम लला की उनका आगमन हो रहा है उस वजह से अयोध्या की बात करें तो पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है और आपको मैं बता दू कि सुबह सुबह का सुबह सुबह का भी ये वक्त है यहाँ पर जो चौपाल लगाए थे हमने एक छोटी सी जो कि यहाँ पर ठंड का समय था तो आग ताप रहे थे हम लोग चलिए बातचीत कर लेते हैं तो हम बातचीत करने के लिए बैठे गए और जितनी जनता थी सबका यही कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जी हाँ दो में यहाँ की जनता फिर से मोदी को ही देखना चाहती है प्रधानमंत्री के गद्दी पर सहयोगी गोविंद के साथ मैं आदित्य